पिछले समय आईडी नीचे करो नदीम भाई, औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों की मांग थी कि हमारी सेवानिवृत्ति आयु जिस तरह से शासकीय सेवकों की 60 वर्ष है उनको भी बढ़ाया जाए। हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने, जो औद्योगिक क्षेत्र में जो श्रमिक हैं उनकी आयु सीमा पहले 58 वर्ष में सेवानिवृत्त किया जाता था, अब उनको 2 साल बढ़ा के 60 वर्ष कर दिया गया, जिसका लाभ पूरे प्रदेश के हमारे इन क्षेत्रों में काम करने वाले 4 लाख से अधिक श्रमिकों को मिलेगा। और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से गुमास्ता एक्ट था, पंजीयन के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है और उसका प्रतिवर्ष पंजीयन का नवीनीकरण कराना होता था, जिससे अनावश्यक धन का भी व्यय होता था और ऑफिसों के चक्कर भी काटने पड़ते थे। अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब एक बार गुमास्ता एक्ट का लाइसेंस देने के बाद उनकी नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन गुमास्ता एक्ट में जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों का सख्ती से पालन कराया जाए। निश्चित रूप से हम अपने विभागों की समीक्षा करते हैं और जो योजनाएं संचालित होती है विभाग के माध्यम से उनका लाभ हमारे श्रमिकों को मिले। श्रम विभाग का है तो श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए बना है और उनके तहत जो योजनाएँ चलती हैं, हमारे जो निगम मंडल हैं इसमें भी श्रम कल्याण मंडल है, छत्तीसगढ़ भवन सन्निकार कर्माकार मंडल है और एक असंगठित श्रम कल्याण मंडल है, तो इसमें जितनी योजनाएं चलती हैं उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो और उसका लाभ हमारे श्रमिक लोगों को मिले, इसीलिए हम इनकी नियमित समीक्षा करते हैं और उसमें जो कमियां होती है उनका निराकरण के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और हमारे कारखाना अधिनियम के तहत बहुत सारे काम होते हैं, फैक्ट्रियाँ जो है वो नियमित रूप से श्रमिकों का हित का काम करे, खतरनाक जो फैक्ट्रियां होती है उसमें जो लेबर लगते हैं उन लोगों का सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, इन सब बातों को लेकर हम इस तरह की समीक्षा करते हैं। सर पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ था कि माना में एक जो फैक्ट्री वहां पर 20 बच्चे मुक्त कराए गए थे, लेकिन अभी तक संचालक को गिरफ्तार नहीं किया गया, पुलिस उससे पीछे क्यों हटी? उस पर कार्रवाई होती है, हमारे द्वारा पुलिस में FIR भी दर्ज कराई जाती है और हमारे श्रम न्यायालय भी हैं, अगर कोई प्रकरण है इस तरह तो श्रम न्यायालय में भी प्रस्तुत करके उसका निराकरण करवाया जाता है। आज कैबिनेट की बैठक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी 13 मंत्री आज पहली बार एक साथ बैठेंगे। निश्चित रूप से कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार नियमित होती रहती है और जो कैबिनेट में जो जनहित के मुद्दे होते हैं उन मुद्दों का निराकरण की कार्रवाई की जाती है। नहीं देखिए हम उन्हीं की समीक्षा कर रहे हैं, उसकी निमित्त जांच होती है, रेंडमली जांच होती है, हम सभी फैक्ट्रियों का जिस जिलों का है उन जिलों को छोड़कर दूसरे जिले के अधिकारी जांच करते हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो दूसरे जिले में जाते हैं, दूसरे जिले के अधिकारी इस जिले में आते हैं, इस तरह की व्यवस्था है और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होती और कोई कोताही बरतता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। आज कितने लोगों पे कुछ कार्रवाई नहीं कार देखिए हमारी बैठक सिर्फ कार्रवाई करने के लिए नहीं होती है अधिकारियों पे, अगर कोई अधिकारी अच्छा काम कर रहा है तो उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और जो खराब काम कर रहा है उसको दंडित भी करते हैं, तो अभी तक इस तरह की बातें इस विभाग में भी नहीं आई हैं, अगर आएगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्या नई सरकार बनने के बाद कुछ नई योजनाएं लागू होंगी या कुछ नहीं? निश्चित रूप से जो योजनाएं चल रही है उनका युक्तिकरण किया जा रहा है, जैसे एक कन्या विवाह योजना था उस विवाह योजना 2 विभाग चलाती थी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों विभागों में लाभ ले लेते थे, हम उनको पहले हमारे यहाँ 15,000 रुपये मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया और वो महिला बाल विकास विभाग के माध्यम संचालित होगा, तो जिन योजनाओं का दोहरीकरण था, बहुत सारी जगह एक ही योजना है दो जगह चल रही थी और लोग दोनों जगह ही लाभ ले लेते थे, तो उन योजनाओं का हम युक्तिकरण करेंगे और उनका लाभ लोगों को वास्तविक रूप से मिले इसके लिए पूरी प्रयास करेंगे। काम करने वाले मजदूरों की मौत होने के बाद उनको मुआवजा के लिए दर-दर भटकना पड़ता है, ऐसे देखिए अब इस सरकार के आने के बाद इस तरह की घटनाएं कम हुई है और जिन फैक्ट्रियों में इस तरह की दुर्घटना हुई है उसमें उनको पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराया गया है। जैसे जिस तरह से एक फैक्ट्री थी पिछले समय में 5 लोग मारे गए थे
उनके परिवार को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा चेक के माध्यम से दिला दिया गया था। ये इसके अलावा जो और भी हित लाभ उनको होना चाहिए, उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति उनको दिया जाए, ये सब जितने कल्याण के कार्य हैं उन्होंने वो निश्चित रूप से होंगे। मुआवजा राशि बढ़ा सकते हैं क्या? और जो जिनकी मौत होती है ऐसी कुछ होती, देखिए जितना दिया जाना चाहिए उतना मिलना चाहिए, ये एक निर्धारित राशि है, वो उस तरह की राशि जरूर दिलवाएंगे। थैंक यू। For more information, log on to www.clips.in.